हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर पहली बार लॉकडाउन 2.0 हम सीरीज लेके आए हैं। ये बैच बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया है। 1 जून से, मतलब आज से हम मैथमेटिक्स की क्लास लग चुकी है और ये सेकंड क्लास साइंस की है। तो आज से पहली बार हम यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्त हैं, विद्यार्थी, सभी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे हम क्लास को और सेशन को स्टार्ट करते हैं अधिक से अधिक। तो इसके अंदर हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। जो साइंस के अंदर किस टाइप से रेलवे के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से, तीनों पार्टों को हम कंप्लीट करवाएंगे। उससे पहले हम साइंस के बारे में, भाई ये कितने कितने भागों में बांटी हुई है, रेलवे के अंदर किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो आप सभी को कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सेशन को चालू करते हम बात करते विज्ञान की। तो इसके दोस्तों तीन पार्टों में बंटी होती है। कितने पार्टों में? तीन पार्टों में। पहला पार्ट जो अपन कहते हैं जीव विज्ञान, दूसरा जिसे अपन कहते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और जो लास्ट पार्ट है वो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट जो अपन जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरा पादप विज्ञान। किसको? जंतु विज्ञान और एक होता पादप विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं सॉरी जूलॉजी और बॉटनी। तो इनके अंदर जो रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई केमिस्ट्री से कितने आते हैं, फिजिक्स के कितने आते हैं और बायोलॉजी के कितने आते हैं। तो रेलवे के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इन 30 क्वेश्चनों में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जीव विज्ञान का, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, कम से कम 8 से 7 से 10 क्वेश्चन तो आते हुए किसके? फिजिक्स के। 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, मतलब कहने का अर्थ है, और इसके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम करते हैं। ये थोड़ा कम आएगा केमिस्ट्री, 7 से 9 आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं इन इन सब्जेक्टों से। जो अपन स्टार्ट करने वाले आज वो करेंगे दोस्तों फिजिक्स, क्या करेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए एक बार और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि क्लास जबरदस्त क्लास हो रही है। क्योंकि मुझे लाइक 2-4 दिख रहे हैं और देखने वाले 10 से ऊपर दिख रहे हैं। तो कम से कम जो देख रहे हैं वो तो लाइक करो भाई, तो जल्दी से जल्दी लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। तो अपन फिजिक्स वाले पार्ट की पढ़ाएंगे, तो अपन जो कोशिश करेंगे 8 से 10 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले। ये क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आते हैं, फिजिक्स में भी किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठेगा, वो भी एकदम आपको सटीक तरीका से बताया जाएगा दोस्तों। एकदम छोटी छोटी बातों को आपको बताया जाएगा, जिससे हम पूरे मार्क्स ला सकें। हमारा लक्ष्य होगा
30 क्वेश्चनों में से कम 27 क्वेश्चन को करेक्ट करना, 30 में से 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन इतना राइट होना चाहिए एग्जाम के अंदर, तो हम एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे और अपनी नौकरी मुट्ठी में आ जाएगी। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर भी हमन कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते कितने भाई, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन अपन को कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन अपन को राइट करना है और जब अपना सिलेक्शन। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं गारंटी दे सकता हूँ 23 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी करते हैं। रीजनिंग के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी करेंगे जब हमारे YouTube चैनल से पढ़ेंगे। हमारी क्लास को प्रतिदिन पढ़ना है दोस्तों आपको, और इसकी बात करते कम से कम भाई 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे जीके जीएस में जो अपन पहले पढ़ चुके उस हिसाब से। तो बात करते हम जो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स की अपन स्टार्ट करने वाले। ये आपके जो बताया वो अच्छी तरह से दोस्तों आपके समझ में आएगा कि रेलवे का पैटर्न क्या हिसाब से एग्जाम के अंदर आ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो अब बात करते हैं अपन फिजिक्स वाला जो साइंस के अंदर अपन फिजिक्स वाले की साइंस के अंदर फिजिक्स वाला टॉपिक पढ़ा रहे। एक बार भाई सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अधिक से अधिक। तो अपन बात करते भाई फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान ये भौतिक विज्ञान जिसके अंदर अपन बहुत अच्छी अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, जो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को अपन कवर करने वाले हैं। ये 8-10 क्वेश्चन जिसको हम कंप्लीट करेंगे। जो फिजिक्स है इसका जनक कौन है, सबसे पहले जनक की बात होनी चाहिए कि फिजिक्स शब्द किसने दिया था और कब दिया था। तो फिजिक्स शब्द आप सब जानते हैं आइजैक न्यूटन ने दिया। किसने? आइजैक न्यूटन। इसने इसको फिजिक्स का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर क्या पता अच्छी किस्मत हो मिल सकता है कि फिजिक्स का जनक कौन है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो अपन को ऑप्शन आएगा तो आइजैक न्यूटन अपन को करेक्ट आंसर करना है। इस प्रकार से हमने सुना। उसके बाद अपन करते हुए जो राशि होती है जिसके अंदर जो राशि होती है, ये 4-5 राशि होती है, लेकिन अपन को जो मुख्य राशि है जो एग्जाम के अंदर आती है उन्हीं पर बात करते हैं। तो ये राशि एग्जाम के जो अंदर आती है वो एक तो है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि, अब दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सदिश और अदिश क्या होता है। नॉर्मल बात अपन को पहला क्या रहा है अदिश, अदिश में क्या था ए आ रहा है, तो इसमें क्या है भाई केवल केवल क्या होता है भाई परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या हो परिमाण। और सदिश राशि में क्या है परिमाण की साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या भाई परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है। होती है इस प्रकार से क्लियर। सदिश जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते, अदिश केवल परिणाम होते, मात्र केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती। अब मैं बताऊं कि सर आपके दिमाग में विचार कि उदाहरण क्या सर, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। तो देखो दोस्तों, अदिश राशि के उदाहरण है आप सभी जानते समय, समय की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। तो अपन क्या कहेंगे, समय चाल कह देंगे, उसके बाद ताप घनत्व द्रव्यमान ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय, ये क्या होते दोस्तों। और इसमें अपन कह सकते दाब भी कह सकते, दाब क्या भाई, ये अदिश राशि, केवल इसमें परिणाम होता, दिशा नहीं होती। तो ये आपने किया सदिश और अदिश का जो डिफरेंट। अब दोस्त ये तो आपने सर उदाहरण बता दिया कि अदिश राशि का, तो सर ये सदिश राशि का भी बता दो। तो देखो दोस्तों सदिश राशि का उदाहरण यहां तक दिख रहा है सभी को, सभी को देखो। तो जो सदिश राशि का जो उदाहरण है इनसे जो अलग है वो क्या, सदिश राशि जैसे ही नहीं मैं यहां लिख देता हूं सदिश राशियों का उदाहरण। तो क्या उदाहरण भाई, सबसे पहले जो बल होता है फोर्स अपन कहते हैं, तो ये क्या हो गया बल, विस्थापन, ये क्या है परिणाम होती है और दिशा भी होती है। और अगला दूरी, दूरी की क्या है परिणाम निकलता भी कितनी दूर चला और दिशा भी होती है इस प्रकार से। और एक लास्ट इसका उदाहरण है बहुत इंपोर्टेंट, वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वेग। और एक और भाई त्वरण, त्वरण देखते हैं आप, त्वरण भी इसका क्या है भाई सदिश राशि। सदिश राशि के ये उदाहरण, अदिश राशि के ये उदाहरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों के ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ किस प्रकार से। भौतिक विज्ञान का जनक आइज़ैक न्यूटन होता है, उसके बाद अपन ने बात की राशि होगी कि राशि कितने प्रकार की होती है, राशि कितने प्रकार की होती है। तो राशि अनेक प्रकार की होती है, लेकिन अपन को उन पर चर्चा करनी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है दोस्तों। तो एग्जाम के अंदर दो राशि पूछी जाती है, एक तो अदिश राशि और एक दूसरी है जो सदिश राशि। इन राशियों सदिश राशि में होती है, सदिश में मतलब सारा, तो सेम मतलब दोनों चीजों की आवश्यकता है, परिणाम की साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशि में होती है जिसमें केवल केवल क्या होता है परिणाम होता है, ये दोनों में डिफरेंट हो गया। अब पूछ लेता भाई कि अदिश राशि उदाहरण क्या होता है, उदाहरण आप ले सकते ताप समय घनत्व द्रव्यमान वेग दाब, ये इस प्रकार से ले लें एनर्जी मतलब ऊर्जा ले सकते। उसके बाद सदिश राशि का जो उदाहरण है बल विस्थापन वेग और दूरी, ये इसके उदाहरण हो गए। इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट किया। अब बात करते इनके ऊपर वाले एक एक चीज को अपन उदाहरणों से समझते हैं कि वेग क्या होता है, बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। इन पे सभी पर एक एक बारी बारी की तरीका से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखते हो अब जो बात करेंगे अपन, बात करते विस्थापन।
दोस्त, विस्थापन। तो विस्थापन होता क्या भाई? विस्थापन का अर्थ होता है एक बिंदु दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को। मतलब अपन ने यहां से कोई एक सीधी रेखा खींची, यहां पे बिंदु ए नाम दिया इसको और इस वाले को हमने बिंदु बी दिया। तो क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की एक सरल रेखा की दूरी को अपन कहते विस्थापन। तो क्या बोलूं मैं, ए व बी के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं भाई, विस्थापन कहते हैं। अब अगली बात, विस्थापन कहते हैं मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और विस्थापन किस प्रकार की राशि है, तो वो सदिश, सदिश राशि है। अब बात करते हैं अपन चाल की, कि चाल क्या होती है। चाल में होती है कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या कहेंगे भाई, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे अपन, चाल बोलेंगे भाई, चाल कहते हैं, कहते हैं। अब अपन क्या करेंगे, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, चाल बराबर आ जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भाई अपन को ये होना चाहिए, तो दूरी को क्या कहते हैं अपन, डिस्टेंस, और टाइम को टी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर एस बराबर हो जाएगा डी बटे टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे। अब ये निकाला अपन ने, अब अपन को भाई चाल जो है इसका मात्रक क्या होता है, चाल को किस में नापते, तो चाल को नापते मीटर प्रति सेकंड में। क्या भाई, मीटर प्रति सेकंड में इसको नापा जाता है। तो चाल को जो मात्रक होता है वो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। जो राशि होती है चाल, वो किस प्रकार की राशि होती है, तो चाल भी भाई किस प्रकार की राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब जो बात करते अपन अगले, इसको रफ कर देता हूं, अगली बात करते वेग। किसके बारे में भाई, वेग के, कि वेग होता है क्या। अब एक दिमाग क्वेश्चन, कि सर जो भान होते हैं उनकी चाल किस में नापते हैं, जो भानों की चाल होती है वो नापते अपन क्या भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। वाहनों की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते वेग। वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, लेकिन अपन तो ओनली फॉर हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। तो वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या कहेंगे, किसी निश्चित वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो अपन को भाई जो वेग होता है भाई दोस्तों, वेग का मतलब था बच्चों, तो यहां से क्या निकल के आएगा, वेग दूरी बटे समय, दूरी बटे समय निकल गया। और दूरी क्या होती, विस्थापन। तो यहां पे क्या लिख सकते अपन, विस्थापन भी कह सकते भाई, विस्थापन भी कह सकते। अब अपन क्या निकालेंगे इसका, वेग जो अपन वेग किसे दर्शाते, बी से प्रदर्शित करते, वेग को बी से प्रदर्शित करते दोस्त, बी से दर्शाते, डी को डिस्टेंस था मतलब दूरी, और दूरी क्या, विस्थापन। तो विस्थापन क्या करेंगे, एस और टी मतलब टाइम। तो क्या हो गया, बी बराबर एस बटे टी हो गया। अब इसका जो मात्रक होता है दोस्तों,
किसका? वेग का। जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं यहां से कि इसको अपन हल करते तो एच बराबर क्या आएगा? विस्थापन बराबर वी इंटू टी निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं यहां से। तो अपन क्या करेंगे, समान वेग से कोई वस्तु टी समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहेंगे? वस्तु का वेग कहेंगे। तो इस प्रकार से निकाला। और जो वेग है वो किस प्रकार की राशि है आपको मैंने अभी अभी बताया। कमेंट करके बताइए कि जो वेग है वो किस प्रकार की राशि है दोस्तों, यहाँ बता दीजिए। और आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों अच्छी लगी क्लास तो एक बार भाई कमेंट करके हमें बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी। सभी विद्यार्थियों को आज का सेशन अच्छा लगा है या कम अच्छा लगा है, किसी भी प्रकार का लगा हो तो आप कमेंट करके हमें दोस्तों बता दीजिए आप कि कोई कमी है उसको भी बता दीजिए, जो हम आगे की वीडियो में इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार तो एक बार भाई लाइक तो सभी का बनता है, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।